Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. So today we are going to do chapter number 9, which is advertising through internet and interactive media. Advertising through दो चीजें पढ़ेंगे, एक इंटरक्टिव मीडिया एंड एक इंटरनेट. अगर आपने चैप्टर नंबर 8 देखा है तो उसमें हमने इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, इसी पार्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 इज वेरी इजी. ये सब तुम्हारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे डिपेंड करती है कि तुम जब अपने फ्रेंड्स के साथ मीम्स शेयर करने जाते हो नेट पे और आई से इंस्टा या फेसबुक पे, सो आप कितना ऑब्जर्व करते हो अबाउट इंस्टा अबाउट फेसबुक. ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव फर्दर आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड द बुक दैट आई एम फॉलोइंग इज रुचि गुप्ता. एंड इन केस आपको चाहिए ये बुक, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अमेजॉन. और अगर आपको नोट्स चाहिए कि यार मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, इसके नोट्स ले लेता हूँ, बाकी मुझे वीडियो से समझ में आ गया एंड आई हैव मेड माई ओन नोट्स, तो आप ऐसा भी कर सकते हो. ठीक है, बट दीज आर नॉट फ्री नोट्स. ओके, नाउ वट विल बी द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर? इंटरक्टिव मीडिया, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एंड एडवर गेम्स. ठीक है, एडवर गेम्स बहुत अच्छा टॉपिक है, ये तुमने खेला भी होगा आई एम श्योर. ठीक है, एंड फ्यू बेसिक क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं इंटरक्टिव मीडिया क्या होता है. ठीक है, उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इंटरनेट एडवर्टाइजिंग क्यों इतना फेमस हुआ. सी, इंटरनेट का यूज इंटरनेट के जो यूजर्स हैं वो एकदम रैपिडली ग्रो कर रहे थे ड्यूरिंग सर्टेन डिकेड, इफ यू रिमेम्बर. जस्ट कमेंट अगर आपको पता है तो. ठीक है, वो कौन सा पीरियड था, उसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे एकदम रैपिड राइज हुआ था इंटरनेट यूजर्स का. ठीक है, तो एट दैट टाइम जो हमारे मेजर पॉपुलेशन थी वो इंटरनेट स्टार्ट करना यूज कर चुकी थी. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारे एडवर्टाइजर्स है दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट बिकॉज इट वॉज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आउट देयर. सो इन केस यू वॉन्ट टू रीच योर टारगेट ऑडियंस, इंटरनेट वॉज अ ग्रेट मीडियम टू रीच. दैट्स वाई इंटरनेट एडवर्टाइजिंग बिकेम सो फेमस एंड दैट्स हाउ द एवोल्यूशन केम एंड एवरीथिंग गॉट सो चेंज्ड इन टुडेज वर्ल्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरक्टिव मीडिया. इंटरक्टिव मीडिया होता क्या है? नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे आए हो तो आई एम रुचि एंड आई लव टीचिंग एंड आई एम नॉट टीचर बाय प्रोफेशन. आई वर्क एट EY एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन दैट आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब चैनल, नथिंग एल्स. इन केस यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन दिस पर्टिकुलर ID. आई शेयर माई लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इन केस यू डोंट वॉन्ट टू कनेक्ट ऑन इंस्टा, दिस इज अ बिजनेस पेज, और यू कैन कनेक्ट मी थ्रू ईमेल और लिंक्डइन. नाउ सी, वी कांट इमेजिन अ सिंगल थिंग अबाउट इंटरनेट. दिस इज द कोड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम इंटरनेट पीरियड राइज. क्या हुआ था बताओ. ठीक है, कैन यू इमेजिन कि तुम एक दिन बिना इंस्टा या बिना फेसबुक या बिना स्नैप के जी सकते हो? नहीं, आई कांट इमेजिन. अगर हम पूरे दिन में 10 मिनट भी यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो आई कैन नॉट इमेजिन अ सिंगल थिंग विदाउट माई इंटरनेट. एंड ऑफकोर्स अब एडवर्टाइजिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सो वो इंटरनेट के बिना कैसे चल सकती है, राइट? नाउ इंटरक्टिव मीडिया इतना फेमस हुआ क्यों? इंटरक्टिव मीडिया होता क्या है पहले ये देख लेते हैं. इंटरक्टिव मीडिया होता है जहाँ पे यू आर यूजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल मीडिया. ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड टू इंटरैक्ट विद पीपल. इंटरक्टिव मीडिया से पता चल रहा है आई एम एबल टू इंटरैक्ट. अब इंटरैक्ट कैसे करूंगी? आई कैन इंटरैक्ट थ्रू लाइक लाइक्स, फीडबैक्स, तो राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो दीज आर ऑल द वेज ऑफ इंटरैक्शन.
लेट्स से सोशल मीडिया। अच्छा, अब तुम्हारे इंटरेक्टिव मीडिया से ना सिर्फ सोशल मीडिया ही आता होगा दिमाग में, बट लेट मी टेल यू, वीडियो गेम्स आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एन इंटरेक्टिव मीडिया। कैसे? बिकॉज वीडियो गेम्स में प्लेयर्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है, एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू द विजुअल साउंड्स एंड एवरीथिंग, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंटरेक्टिव मीडिया। एडवर गेम्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट वो क्या होते हैं, जब एक कंपनी एक गेम बनाती है जस्ट टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ व्हाई इट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट और सो फेमस नाउअडेज, बिकॉज ऑफ द पर्सनलाइज्ड मैसेज। लेट्स से यू गेट एन ईमेल, अगेन सेम एग्जांपल फ्रॉम जोमैटो, हे रुचि। सो रुचि के आगे ये जो ऐसे हे रुचि हो जाता है, सो दिस बिकम्स वेरी पर्सनलाइज्ड मैसेज, एंड हेंस इट विल ओपन डोर्स फॉर द न्यू कम्युनिकेशन। नाउडेज रीडिंग हैबिट्स हैव चेंज्ड। आई कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द न्यूज़पेपर और द ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स, बिकॉज पीपल नाउडेज आर नॉट यू नो इन फेवर ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। इंस्टेड यू जस्ट गूगल इट आउट, यू जस्ट यूज इंटरनेट एंड यू रीड द न्यूज़। सो दीज आर द टू मेजर रीजंस दैट इंटरैक्टिव मीडिया हैव बिकम सो फेमस। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, एंड हम दो तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वेरियस वेज देखेंगे, ठीक है, ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, जिसमें होगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, स्नैप, लिंक्डइन और जीमेल पोर्टल्स, ठीक है। एंड सेकेंडली हम देखेंगे एडवर्ट गेम्स। ओके, वी नोटिस दिस एवरी डे एवरी सेकेंड, जस्ट गिव इट थॉट अबाउट इट। ऑफ कोर्स अगर अभी तुम मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो अगेन दिस इज अ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। अगर मेरी यूट्यूब के साइड में नीचे या बीच में कोई ऐड आता है, तो इट इज इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले हम मूव करते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग में। तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर में तीन बटी हुई है, सोशल मीडिया, योर वेरियस पोर्टल्स एंड फाइनली योर वेबसाइट, ठीक है। सो दीज आर थ्री काइंड ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग। सोशल मीडिया, आई होप सब अवेयर है सोशल मीडिया में कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में देखो, सबसे पहले मैंने फेसबुक एड्स की बात करी है। फेसबुक एड्स में ये मेरे ही उसका स्निप है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली आई हैव बीन सर्चिंग अबाउट फ्यू ड्रेसेस, ओके, ऑन मिंत्रा। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे एड्स दिखे, ठीक है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन बैग्स एंड हेंस आई सॉ अ बैग एड, अ जियो, राइट। सो दीज आर योर फ्यू एड्स ऑन फेसबुक। फेसबुक के बारे में एक फैक्ट है दैट इट हैज द लार्जेस्ट ऑडियंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इतने बड़ी ऑडियंस होगी फेसबुक पे, तो एडवर्टाइजर को तो मन होगा कि मैं फेसबुक पे एडवर्टाइज करूँ, बिकॉज मुझे टारगेट ऑडियंस पे रीच करना है। सेकेंडली, इसमें इतने सारे फिल्टर्स होते हैं ना, इतनी कैटेगरीज होती है व्यूअर्स पे। अगर तुम्हें याद हो, जब तुमने अपनी प्रोफाइल बनाई हो, तो तुमने क्या डाला था? एज, राइट, योर लोकेशन, योर जेंडर, योर हॉबीज, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, योर रिलेशनशिप स्टेटस, वो भी आता है, सिंगल, मैरिड, ठीक है, योर एजुकेशन। सो जो जो आप डेटा डाल रहे हो एट द टाइम ऑफ यू नो क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, दीज ऑल आर यूज्ड एज अ कैटेगरी टू फिल्टर यू, ओके। सो लेट्स से मेरा टारगेट ऑडियंस 30 to 35 की एज में, तो आई विल ओनली टारगेट ऑडियंस दैट इज बिटवीन द एज ऑफ 30 and 35। सो दैट्स इट अबाउट द फेसबुक ऐप। आई बिलीव तुम पूरा एक पैरा छाप दोगे अगर ये पेपर में आया, ठीक है। तो फेसबुक एड्स यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। नाउ लेट्स मूव ऑन, क्या लग रहा है? अगेन दिस इज अ फेसबुक, जोमैटो, सी हाउ इंटरैक्टिव दे हैव मेड देयर एड। वी हैव मिस्ड यू, बीन कीपिंग बिजी, हे फूडी, लॉन्ग टाइम नो सी। अब दिस पर्टिकुलर प्राइस अट्रैक्ट्स मी, ठीक है। अब अगर मेरा मन कर रहा होगा कुछ खाने का,
तो ये प्राइस देख के आई मे जस्ट ओपन जोमैटो. सो दिस इज हाउ दे आर यूजिंग अट्रैक्टिव ग्राफिक्स, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज यू. अगेन ट्विटर, ट्विटर इज वेरी फेमस. वाई? बिकॉज ऑफ देयर हैशटैग्स. कोई भी मोमेंट होता है, कोई भी चीज हो रही होती है, हैशटैग्स लोग ट्वीट फटाफट से करते हैं. तो ट्विटर हैज अगेन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ द एडवर्टाइजर. दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन नॉट इग्नोर एट ऑल. तो कैसे कैसे एडवर्टाइज होता है ट्विटर पे? इंटरैक्टिव टेक्स्ट, कुछ बहुत इंटरैक्टिव डाल दो, ठीक है, कि लोग तुमसे तुम्हारे ट्वीट करे करे, ठीक है, थ्रेड्स बने बने. देन प्रोडक्ट एक्सप्लोरर, दिख रहा था मुझे एक जूता, मैंने क्लिक किया, आओ शॉप देव. कलेक्शन एप्स, बोस, फ्लॉन्टेड, वी हैव डिफरेंट कलेक्शंस, राइट? अगेन सी दिस इज हाउ नाउ अडेज ब्रांड्स आर रिस्पॉन्डिंग. ठंड लग रही है, जोमैटो यार चाय भेज दो, वील शेयर अ बड़ा पाव. हम टी करते हैं, तुम पेटीएम करो. सो स्पेशली ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन, राखी, रक्षाबंधन, और जब ये रोनाल्डो वाला सीन हुआ था कोक से वाटर वाला, तो दिस बिकेम वेरी यू नो वेरी फेमस काइंड ऑफ मोमेंट. एंड ये सब ट्विटर पे ब्रांड्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है आज के टाइम में. अगेन लिंक्डइन, लिंक्डइन पे क्या लिखोगे? लिंक्डइन इज अ यूजर बेस, ओके, यूजर बेस जिसके ऊपर तुम्हारे बिजनेस प्रोफेशनल्स ही होते हैं, ऐसे लल्लू पंजू लोग नहीं होते. एवरीबडी इज एम्प्लॉयड, एवरीबडी हैज अ ऑब्जेक्टिव दैट व्हाई देयर ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल. समबडी इज टू सीक जॉब, समबडी इज अ जॉब सीकर, समबडी विल प्रोवाइड यू जॉब. सो दीज आर वेरी बिजनेस प्लेटफॉर्म्स एंड देर आर फ्यू योर एडवर्टाइजर्स हु टारगेट लिंक्डइन, स्पेशली लेट्स से एडटेक, बायजूस, ट्यूशंस, दीज आर ऑल फेमस ऑन लिंक्डइन टू. सो ये लिंक्डइन का स्नैप है, रेडबुल के व्यू, दीज आर कॉल्ड डिस्प्ले बैनर एड्स, दीज आर योर स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ओके. अगेन लेट्स मूव ऑन टू द इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम हैज बिकम ट्रिमेंडसली फेमस थ्रू द स्टोरीज और थ्रू योर पोस्ट, ओके. नाउ डेज स्टोरी टेलिंग बड़ा फेमस होता है, ठीक है. स्टोरी टेलिंग फेमस कैसे होगा? दे विल फॉलो लेट्स से स्टेट, ठीक है, कोई स्टेट का थीम पकड़ लेंगे एंड देर से राजस्थान की चाय, ऐसे अगर कोई चाय ब्रांड है तो वहां का कोई यूजर ऐसे ले लेंगे, राजस्थान की चाय, दिल्ली की चाय, गुजरात की चाय. तो एक स्टोरी टेलिंग हो जाती है. एंड इंस्टाग्राम में इतने रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, इतने ऑप्शंस होते हैं एक एडवर्टाइजर पे, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ चीप काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. अगर तुम्हारा तुम्हें बूस्ट नहीं करना, तुमने अगर अच्छा वायरल कंटेंट बना दिया तो फ्री में भी वायरल होती है बहुत चीजें. बिकॉज ब्लॉगर्स, अगर तुमने देखी हो, देयर आर फ्यू नॉन पेड ब्लॉगर्स जिन्होंने फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदे होते एंड दे आर जेन्युइनली मेकिंग गुड कंटेंट. सिमिलरली अगर एक कंपनी के एडवर्टाइजर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो देयर इज अ स्कोप कि तुम्हारा वो वायरल हो जाए, ओके. नाउ दिस इज द लास्ट सोशल मीडिया कैटेगरी, व्हिच इज योर यूट्यूब. यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखते हैं? देखो यहाँ स्किप ऐड, बीच बीच में भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, आजकल तो नीचे भी आने लग गए. तो यूट्यूब में कैसे ऐड दिखाते हैं? यहाँ दिस 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 दिस, ओके. सो दिस इज हाउ द यूट्यूब हैज बीन यूजिंग दी इन एडवर्टाइजिंग. एंड ऑफ कोर्स हर मीडिया का बहुत बड़ा रिवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है, ठीक है. तो दिस इज वेरी कॉमन एंड यूट्यूब हैज वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, वेरी वेरी लार्ज. एंड फ्यू एड्स आर दोज यू कैन नॉट स्किप, ठीक है. कुछ एड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लिखा होता है वीडियो विल कंटिन्यू आफ्टर दिस एड,
तो तुम्हारे पास स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं होता, तुम्हें वो देखना पड़ता है। अगर तुमने बायजूस या अंकुर बारिकू का एड देखा होगा, आई नो ही इज वेरी फेमस, तो देयर आर फ्यू एड्स दैट यू कैन नॉट स्किप एंड यू एंड अप वॉचिंग दैम। ओके, देयर आर ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ मेट्रिक्स जो YouTube प्रोवाइड करता है तुम्हें टू फिल्टर योर ऑडियंस। कैसे फिल्टर करते हो तुम? अगर मैं अपना पेज खोलूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें आ रही होती है इनसाइट्स में। क्या क्या आता है? पॉपुलेशन, एज, लोकेशन, किसने देखा, कौन से जेंडर ने देखा, ठीक है? तो ये सब चीजें एडवर्टाइजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फाइनली वी आर डन विद दी सोशल मीडिया। बहुत ईजी चैप्टर है, तुम सिर्फ एग्जाम्पल देखो, सुनो और अपनी रामकथा लिखना पेपर में, ठीक है? एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिखना, पेज भर देना बहुत 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 इजी है, ठीक है? ये नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेबसाइट्स। अब वेबसाइट्स क्या होती है? अगर तुमने देखा हो, कंपनी अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेगी ही करेगी, या तो वो खुद की वेबसाइट पे कर ले या तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे कर ले। लेट्स से अपनी वेबसाइट पे करती है, ठीक है? एक अच्छी सी वेबसाइट प्लेटफॉर्म बनाओ। अगर तुमने फर्स्ट क्राई देखा हो, ठीक है, तो फर्स्ट क्राई मेजरली अपने वेबसाइट पे काफी एडवर्टाइजमेंट करती है, बहुत सारी कंपनीज करती है। अदर्स वेबसाइट, लेट्स से मैं अपनी वेबसाइट पे नहीं करती, बट मैं दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे करती हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं अपनी वेबसाइट पे तो करती करती हूँ, बट मुझे पता है मेरी वेबसाइट पे इतने लोग नहीं आते, तो मैं दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी करती हूँ। लेट्स से आई एडवर्टाइज ऑन फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, ओके? तो दीज आर फ्यू वेबसाइट दैट आई एम यूजिंग टू एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ गुड रीच। फर्स्ट क्राई मे बी सी, दिस इज द सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे डू ऑन देयर ओन वेबसाइट, मामा अर्थ। बट इन केस आई नो दैट नॉट मेनी पीपल आर रीचिंग ऑन माई वेबसाइट, आई एडवर्टाइज ऑन अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। एमेजॉन कमिंग सून, फ्लिपकार्ट द लॉन्चिंग ऑल द न्यू। सो यहाँ पे लॉन्च ही इनकी वेबसाइट पे हो रहा है, दे विल हैव अ स्पेशल लॉन्च प्राइस, न्यू लॉन्चेस, राइट? सो वेरियस पोर्टल्स। नाउ दैट्स इट अबाउट योर ओन वेबसाइट एंड अदर्स वेबसाइट। यू कैन जस्ट राइट डाउन, अपनी वेबसाइट पे करोगे तो खर्चा कम आएगा, ठीक है? बिकॉज तुम्हें वहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सेकेंडली, तुम कंट्रोल कर सकते हो कितना बड़ा ऐड दिखाना है, ठीक है? तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देने, तुम अपना अलग ही कैंपेन चला सकते हो वेबसाइट पे। पर दूसरों की वेबसाइट पे यू विल हैव सर्टेन लिमिटेशंस, सर्टेन तुम्हें स्पेस खरीदना पड़ेगा, कब तुम्हारा ऐड डिस्प्ले हो रहा है, कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, ये सब तुम्हें चीजें देखनी पड़ेगी। नाउ वेरियस पोर्टल्स में तुम्हारे पोर्टल्स आ जाते हैं याहू, गूगल, रेडिफ और लेट्स से जीमेल। सो मेनली द ईमेल मार्केटिंग, योर बैनर्स, योर पॉपअप्स, सो ये सब जो चीजें आती है वो आती है तुम्हारे पोर्टल्स में। एडवर गेम्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सब तुमने किया भी है। क्या होता है एडवर गेम्स? एडवर गेम्स एक वीडियो गेम बनाया जाता है जो एक कंपनी बनाती है, या क्यों बनाती है उसे, या तो कंपनी का नाम प्रमोट करना है, या प्रोडक्ट प्रमोट करना है, या कोई सर्विस प्रमोट करनी है, ओके? तो द सोल पर्पस इज टू प्रमोट, प्रमोशन, ओके? एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज यू हैव टू सेट अप द होल गेम फॉर योर सेल्फ, एंड यू अगेन हैव टू प्रमोट द गेम कि लोग आए और वो खेले और देन तुम अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करो। इट हैज बिकम वेरी फेमस नाउ अडेज, वाई? बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ। लेट से मैंने एक गेम खेला, चेन्नई एक्सप्रेस, या तूने वो चेन्नई एक्सप्रेस गेम खेली है, ठीक है? तो दीज आर फ्यू गेम्स जो हमारे दिमाग में रह जाती है। क्या होते हैं एडवर गेम्स? दिस इज वीडियो गेम इन सम वे कंटेन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और अ कंपनी। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल। ये अब गेम है, क्या लग रहा है कौन सा प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है? M&M, मैकडॉनल्ड्स वीडियो गेम।
tutorial. So this is MacD card. This is Mercedes, and this is Krish 3, right? So this is how things have been going. That's it for the Adver games. तुम लिख सकते हो Adver games डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. थर्डली यू कैन राइट द डेफिनेशन, फोर्थ यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स, फिफ्थ यू कैन से इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर स्पेशली आफ्टर द इंटरनेट राइज. ओके एंड सिक्स इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज द कंपनी हैज टू सेट अप इट्स ओन गेमिंग प्लेटफॉर्म और आउटसोर्स. अगेन इट टेक्स मनी, इवन इफ यू आउटसोर्स पैसा तो लगेगा. लेट्स मूव ऑन टू द थ्री वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल. ये तीन क्वेश्चन बहुत चांस है कि तो हमारे पेपर में आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये पेपर को थोड़ा इजी बना देते हैं एंड थोड़ी तुम्हारी कॉमन सेंस भी यूज करते हैं. एडवांटेजेस क्या है? ग्लोबल ऑडियंस है, राइट? इफ आई एम पोस्टिंग ऑन इंटरनेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बांग्लादेश का बंदा या कोई चाइना का या यूएस का बंदा मेरा एड देख ले. ऐसे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि सिर्फ इंडिया वाले देखेंगे बाकी से कंटेंट छुप जाएगा. नहीं, इट इज इफेक्टिव एंड पावरफुल. वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विजुअल्स, ग्राफिक्स, स्टोरी टेलिंग. इंस्टा की बात करूं, अगर मैं किसी अच्छे ब्लॉगर को ले लेती हूँ तो मेरा एड बहुत ज्यादा पावरफुल या इफेक्टिव बन जाता है. प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स, लेट्स से आई टेल यू मैंने एक एड दिखाया, तुमने फटाफट से लाइक बटन दबा दिया क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था. क्रेड का एड, इंस्टा में भी क्रेड बिकेम वेरी फेमस. सो मैंने थम्स अप किया एंड आई रिस्पॉन्डेड वेरी फास्ट. लो कन्वर्जन रेट, ओके, ऑफकोर्स इट हैज अ वेरी लो कन्वर्जन रेट. अगर मुझे एक ऐप से दूसरी ऐप पे शिफ्ट करना होगा इट वॉन्ट टेक मच. चीपर, चीपर क्यों? सी इंस्टा पे डिपेंड करता है तुम्हें रीच कितनी चाहिए, तुम्हें टारगेट ऑडियंस कितनी चाहिए, तो हर चीज तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग चलती है. इट इज कंपैरेटिवली चीपर. मैगजीन, टेलीविजन से कंपेयर करो इंस्टा को, इट इज वेरी चीपर एज कंपेयर टू टेलीविजन. इजी टू जज इफेक्टिवनेस बाय, अब मैं देख सकती हूँ आफ्टर अ मंथ कि मेरी पोस्ट पे कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स. अब कमेंट्स में कितने नेगेटिव, कितने पॉजिटिव, कितना इफेक्टिव था मेरा एड, कितना वायरल हुआ, कितने लाइक्स आए, कितने सेव हुए, कितने शेयर हुए. तो आई कैन जज माई इफेक्टिवनेस. टू वे कम्युनिकेशन, ये नहीं है टेलीविजन पे मैं आई और बोलकर चली गई. नहीं, मैं बोलती हूँ अपने इंस्टा वाले ऐड पे कमेंट, कमेंट बिलो डिड यू लाइक द प्रोडक्ट, कमेंट बिलो योर फीडबैक, टॉप फीडबैक्स या टॉप थ्री फीडबैक्स विल गेट अ रिस्पॉन्स. तो तुम भी रिस्पॉन्ड करते हो, तुम भी कम्युनिकेट करते हो, तुम भी कमेंट लिखते हो, राइट? डिसएडवांटेजेस क्या है? स्कोप, स्कोप से क्या है? देखो अभी भी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग थोड़ा कम स्कोप है, लिमिटेड मार्केट है, ठीक है? बिकॉज पीपल आर बिकमिंग टेक सेवी एंड गेट पीपल. यस आई एग्री टू द फैक्ट कि आजकल लोग बहुत टेक पर्सन बन रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग हैं, योर मेजर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल यूजिंग द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल थिंग, लेट्स से न्यूज पेपर, राइट? टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स, अब बहुत टेक्निकल चीजें होती है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में, इतना आसान नहीं होता. पॉपअप्स, अब अगर किसी ने पॉपअप्स ब्लॉक करे हुए तो मैं ऐड कैसे दिखाऊंगी, ठीक है? तो दीज आर वेरी एड ब्लॉक करके एक वो होता है ऐप, उसमें आप अपने पॉपअप्स ब्लॉक कर सकते हो. सो दीज आर फ्यू ऑब्स्टिकल्स जो हमें ओवरकम करना होता है. कनेक्शन स्पीड, अब मेरा कनेक्शन स्पीड इतना बुरा है कि मेरी इंस्टा की वीडियो ही नहीं अपलोड हो रही है जो उन्होंने, तो मैं कैसे देखूंगी? एडवर्टाइजिंग ओवरलोड, अगेन इंटरनेट इज फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट की होती है बिकॉज मैं तो नहीं करूंगी ना ये काम कंपनी में, मैं तो अपनी कंपनी चला रही हूँ, मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा, प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा, फ्रीलांसर को करना पड़ेगा,
कि यार पोस्ट बनाओ, यार ये पोस्ट करो, क्या ट्विटर पे लिखोगे, क्या जीमेल पे भेजोगे, क्या. सो एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड बजटिंग इज ऑलवेज अ लिमिटिंग फैक्टर. इंटरनेट वर्सेस ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग. प्लीज 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 रट के मत जाना, प्लीज अपनी थोड़ी अकल यूज करना. इंटरनेट पे इंस्टा का एड कंपेयर कर लेना और इसमें न्यूज़पेपर कर लेना, ठीक है? इन दोनों को कंपेयर करो तो तुम्हारे दिमाग में खुद चीजें आनी चाहिए. ट्राई करो, ये सारे ब्लैंक्स तुम खुद भरो, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं अगेन. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके पहले सब्सक्राइब करो. नाउ इंटरनेट हैज अ वाइडर कवरेज. जैसे मैंने बोला, यूएस का बंदा मेरा एड देख ले, मैं खुश हो जाऊंगा. बट क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि स्टार प्लस यूएस में चलेगा? नहीं. ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस मुझे पता है फेसबुक पे कि मैं फिल्टर करके ये मेरी टारगेट ऑडियंस है. इंटरनेट टेलीविजन पे तो जो देख रहे हैं सभी देख रहे हैं, ठीक है? थर्ड, इट इज अफोर्डेबल. एज आई मेंशन, यस इंटरनेट हैज एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व, बट स्टिल इट इज मच चीपर देन द ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग. मेजरेबल, कितनी लाइक्स आए, कितनी कमेंट्स आए, कितने शेयर हुए, कितने सेव हुए, मेजरेबल, वेरी इजी. स्पीड, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग. व्हेन आई एम ट्राइंग टू रीच वाइडर ऑडियंस, लेट्स से आई पुट अप अ स्टोरी, आई हैव 200K फॉलोअर्स, आई पुट अप अ स्टोरी एंड आई रीच, माई रीच इज दिस, सो फटाफट से लोगों तक मैसेज पहुंच गया. बट अगर मैगजीन में पहुंचाना होता ये बात, तो मुझे हफ्तों लग जाते. इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव आई एम एबल टू कन्वे मोर डिटेल्स. जैसे हमने पढ़ा था बिल बोर्ड पे हमें बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है अपना कंटेंट, बट इंस्टा पे आई कैन अपलोड फ्यू स्टोरीज, आई कैन शो द डिटेल्स ऑफ माई प्रोडक्ट. फ्लेक्सिबल पेमेंट, ऑफलाइन में क्या होता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, भैया हम आपका दे देंगे, अब आपका रिजल्ट आए या ना आए आपकी गलती, ठीक है? बट ऑनलाइन में क्या होता है, कितना तुम्हारा रिजल्ट्स आए, कितने लीड्स हुए, कितने क्लिक्स हुए, कितने इंप्रेशंस हुए, उसके बेसिस पे तुम्हारी पेमेंट्स होती है. बेटर आरओआई, आरओआई इज फॉर श्योर बेटर इन दी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. इजी ऑडियंस एंगेजमेंट, न्यूज़पेपर में लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस, कॉल ऑन दिस, ईमेल, राइट एन ईमेल, इतने झंझट कौन पाले. इंस्टा पे सिर्फ एक डबल क्लिक करना होता है एंड यू गेट अ फीडबैक. बेटर ब्रांडिंग, आई कैन यूज बेटर विजुअल्स, बेटर आई कैन से बेटर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एवरीथिंग इज बेटर एंड इम्प्रूव्ड ब्रांडिंग गेट्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड. इज इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मेजरेबल? यस. इतनी देर से मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, इम्प्रेशन सेव, शेयर, पे पर क्लिक, सो एवरीथिंग इज मेजरेबल एट योर इंटरनेट एडवर्टाइजिंग. कितना बाउंस हुआ, कितना क्लिक थ्रू रेट्स आए, कितने दूसरे, बहुत सारे नंबर्स होते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मे बी 2 और 3 मार्कर्स तो नहीं आते डीओ में, बट या यू कैन राइट दिस आंसर, राइट? ओके, सी इफ आई शो यू यूट्यूब एड्स, हाउ मेनी पीपल इट हैज रीच्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इट, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर इंटरनेट यूजर्स. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. चैप्टर इज ओवर. थैंक यू सो मच. इन केस अभी तक तुम जिद्दी बन के बैठे हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लो पहले, ठीक है? एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज टू. दिस इज माई इंस्टा हैंडल, दिस इज माई जीमेल. ओके, पास्ट पेपर क्वेश्चंस रह गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. एक ही क्वेश्चन आया अभी तक 2019 में, दैट इज वेयर यू हैव टू राइट द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट एडवर्टाइजिंग. तो वी हैव कवर्ड बेनिफिट ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, यू कैन इजिली राइट इट डाउन. सो ये वाले क्वेश्चंस याद रखना, ये बेसिक बेसिक मत करके चले जाना सोशल मीडिया ये सब, बट ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि तुम्हें 5-6 पॉइंट्स टिप्स पे हो, और अगर थोड़ा सा भी सोचोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है? सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. इन केस यू वांट नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी.
All the best for your exam. Keep watching further videos. I'll be uploading in another 1 or 2 days. So thank you so much. Bye. Take care.